मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। आज हम लेक्चर आज का जो टॉपिक है वो बैक्टीरिया पैथोजेनेसिस, ठीक है। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे वो क्या होता है। ट्रांसमिशन का मतलब यह है कि ट्रांसफर होना, बैक्टीरिया का बॉडी में ट्रांसफर होना। एक बैक्टीरिया या हमारे स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर लेगा या हमारे बैक्टीरिया या हमारे माउथ के थ्रू अंदर चला जाएगा, इसे कहते हैं ट्रांसमिशन। आगे हम जाएंगे ट्रांसमिशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा था इवेजन। इवेजन का क्या काम है? इवेजन का काम है बैक्टीरिया या तो स्किन के जरिए पेनिट्रेट तो कर लेगा, स्किन उसे जाने नहीं देगी बैक्टीरिया को, या हमारे माउथ के थ्रू अंदर चला जाएगा। जब माउथ के थ्रू अंदर चला जाएगा तो क्योंकि स्टमक में होता है एसिड, स्टमक में अल्लाह ताला ने हमारे कुदरत ही कुदरत ने एसिड रखा हुआ है, एसिड है, ठीक है। एक्सीएल स्टमक में होता है एसिड जिसे कहते हैं एक्सीएल, वो बैक्टीरिया जब बैक्टीरिया हमारे माउथ के थ्रू स्टमक में जाएगा उधर अंदर होता है स्टमक में एसिड यानी कि एक्सीएल, वो उसे किल कर देगी, ठीक है। ये था हमारा पॉइंट इवेजन। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एडहेरेंस। एडहेरेंस एडहेरेंस का अब क्या काम है? एसिड आ गया यानी कि बैक्टीरिया अंदर चला गया, एसिड ने किल कर दिया, हो सकता है एसिड किल ना कर सके। जब एसिड किल ना करेगा तो हमारा बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया 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 के साथ होते हैं छोटे छोटे पहलाए, बैक्टीरिया के साथ होते हैं छोटे छोटे पिलाए। वो पिलाए जब स्टमक में एसिड बैक्टीरिया को किल ना करे, बैक्टीरिया के साथ होते हैं पिलाए, वो पिलाए हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में किसी भी जगह पर अटैचमेंट हो जाएंगे। जब अटैचमेंट हो गए वो आगे क्या करेंगे? ये था हमारा एडहेरेंस। एडहेरेंस का ये मतलब है कि वो बैक्टीरिया किल ना, स्टमक को स्टमक में एसिड एसिड एक्सीएल होता है, अगर एसिड एक्सीएल बैक्टीरिया को किल ना करे तो फिर आगे क्या होगा? आगे हमारे होता है फ्लोरिजेशन। फोर्थ पॉइंट क्लोरीनाइजेशन का मतलब क्या है? जब एसिड ने अंदर चला गया, बैक्टीरिया अंदर चला गया, एसिड अगर उसे किल नहीं करती तो वहां पर बैक्टीरिया के साथ होते पिलाए, पिलाए म्यूकस मेम्ब्रेन पर अटैचमेंट हो रही है। जब अटैचमेंट होंगे तो फिर क्या करेंगे? अपनी एक क्लोनी बनाएंगे। जब क्लोनी बनाएंगे फिर हमारे क्या प्रोड्यूस करेंगे? एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। वो बैक्टीरिया जो पिलाए है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर वहां पर जो क्लोनी बनाएंगे वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिजीज, यानी कि वो डिजीज क्या प्रोड्यूस करेगा, यानी कि हमने बताया था कि एना के क्लोनीजेशन में यानी क्लोनी बनाएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारा आ गया टॉक्सिन्स। आगे हम बताएंगे उसके सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स का मतलब अलामत, सिम्टम्स यानी कि या फिर इंफ्लेमेशन हो जाएगी, सिम्टम्स
सिम्टम्स में आएंगे यहाँ पे उस जगह पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, यानी कि सोजिश। इसका मतलब है सोजिश, या फिर वहां पर इंफेक्शन हो जाएगी। मैंने बताया टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे कॉलोनाइजेशंस, वहां पर जब टॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे वहां पर हमारी जो सिम्टम्स है यहां तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या इंफेक्शन हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है होस्ट रिस्पॉन्स। होस्ट रिस्पॉन्स का मतलब यह है कि जो हमारा यानी कि जो हमारे अंदर इम्यूनिटी अल्लाह ताला ने रखी है, जो हमारा बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको यह मालूम होगा हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पर बैक्टीरिया आया है, उसने वहां पर कॉलोनी बनाई है और उन्होंने वहां पर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किया है। जब हमारे होस्ट रिस्पॉन्स को यह मालूम होगा कि अब हम इम्यूनिटी को यह मालूम होगा कि बैक्टीरिया आया वहां पर, उसने अटैचमेंट की है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस की है, हमारे इम्यूनिटी ने क्या किया, इम्यूनिटी में दो चीजें होती हैं, एक स्पेसिफिक एक नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी ये दोनों मिलकर उस टॉक्सिन्स को किल करेंगे। अगर वो किल कर देते हैं तो हम इस डिजीज से बच जाएंगे। ये दोनों इम्यूनिटी है हमारे बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, ये दो चीजें हैं, एक स्पेसिफिक है एक नॉन स्पेसिफिक है, ये दोनों मिलकर उस टॉक्सिन्स को किल करेंगे। अगर वो किल कर देते हैं हम डिजीज से बच जाते हैं, अगर वो किल नहीं करते तो आगे क्या होता है, आगे हमारी एक डिजीज है वो है प्रोग्रेशन। ये डिजीज कब होगी, ये डिजीज जब हमारे दोनों इम्यूनिटी टॉक्सिन्स को किल ना करेगी, किल करने से नाकाम हो जाती हैं, तो हमारी प्रोग्रेशन डिजीज हो जाती है, ठीक है। और ये हमारा जो आज का लेक्चर है, फिर मैं आपको रिवीजन बताऊंगा बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस क्या होते हैं, उसकी क्या साइड इफेक्ट है, उसका क्या काम है। उसमें से पहला पॉइंट है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है ट्रांसफर होना, यानी कि बैक्टीरिया का ह्यूमन बींग के अंदर ट्रांसफर होना, यानी कि या तो स्किन के जरिए पेनिट्रेट कर लेगी या माउथ के जरिए अंदर चले जाएगा। ट्रांसमिशन का मतलब है ट्रांसफर। आगे मैंने बताया था इवेजन। इवेजन का क्या मतलब है, जब बैक्टीरिया ट्रांसफर हो गया माउथ के थ्रू हो गया हमारे अंदर, इवेजन में क्या होता है जब माउथ के थ्रू अंदर हो गया तो वो कहां जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाएगा तो मैंने पहले आपको ये बताया था स्टमक के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कुदरत ही से एसिड HCl यानी कि एसिड मौजूद है, एसिड रखा हुआ है, HCl जिसे कहते हैं, जो स्टमक के अंदर मौजूद है, ठीक है, उस बैक्टीरिया को वो किल कर देगी। एडहेरेंस, मैंने बताया था एडहेरेंस का मतलब क्या, जब बैक्टीरिया आया मैं स्टमक के अंदर बैक्टीरिया आया वहां पर क्या है HCl मौजूद है, ठीक है, बैक्टीरिया आया वो उसे किल कर देगी। अगर वो किल ना करेगी तो क्या होगा, एडहेरेंस में ये पॉइंट आएगा, जब वो किल ना करेगी तो बैक्टीरिया हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पर कॉलोनी बनाएगा। जिस तरह मैंने आपको ये बताया था हमारे अंदर एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया यहां पर छोटे छोटे पिलाए, ये पिलाए वहां पर कॉलोनी बनाएंगे, कॉलोनी बनाकर क्या करेंगे, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे, जब टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे वो टॉक्सिन्स, ठीक है, कहां होंगे, ये कॉलोनाइजेशंस में होंगे, ये कॉलोनाइजेशंस वहां पर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके फिर आगे उनके क्या डिजीज, मैंने ये बताया कि ये डिजीज टॉक्सिन है, ठीक है। मैंने फिर आपको बताया कि अब जब डिजीज होगी हमें कैसे मालूम होगा, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके अलामत क्या है, फिर मैंने बताया अलामत क्या होगा, या तो फिर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या फिर हमारे इन्फेक्शन हो जाएंगे, ये हैं उनके सिम्टम्स, ठीक है। अब मैं तो जो हमारा यानी कि इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्शन भी हो गया,
टॉक्सिन प्रोड्यूस हो गया, हमें पता चल गया इन्फ्लेमेशन हो गया, सोजिश हो गया, उसकी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। हमारा जो अंदर होस्ट रिस्पॉन्स है उसका क्या रिस्पॉन्स है, होस्ट रिस्पॉन्स ने क्या किया, इम्यूनिटी हो गई। इम्यूनिटी में दो चीजें होती हैं, एक स्पेसिफिक है एक नॉन स्पेसिफिक है। वो क्या करेगी, यहाँ पर किल टॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगी। आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या बताया, हमारे पास क्या था, बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस है, उसके अंदर क्या है ट्रांसमिशन से इवेजन एडहेरेंस कोलोनाइजेशन है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान से।